हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्पीच बाय संध्या में। आज हम बनाने जा रहे हैं लौंग लतिका। इसे किसी भी फेस्टिवल पे बना सकते हैं। अभी हरितालिका तीज आने वाली है, उस पे भी आप बना सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी। यहाँ पे मैंने एक कप मैदा लिया है, 1 पिंच बेकिंग सोडा, 1/4 कप रिफाइंड ऑयल लिया है, ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, जब ज़रूरत होगा तो और पानी ऐड करेंगे बाद में। पूरी के आटे की तरह गूंथ लेंगे, ज़रूरत के अनुसार पानी डालकर आटा लगा लेंगे। आटा मैंने गूंथ लिया है, यहाँ पे एक थैली ले लिया है, आटे को इसमें लपेट के ढक कर रख देंगे, या आप गीले कॉटन के कपड़े से भी ढक कर रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने होममेड मावा ले लिया है, ये वज़न में 200 ग्राम होगा। इसमें मैंने पहले से चीनी ऐड कर रखा है। अगर आप मार्केट का मावा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर पाउडर ऐड कर सकते हैं। 2 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ काजू और बादाम ऐड कर लेंगे। 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। मावा में मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, अभी एक साइड में रख लेंगे। एक पैन ले लिया है, 1 कप चीनी लिया है। लौंग लतिका के लिए चाशनी तैयार करना है हमें। 1/2 कप पानी, गैस ऑन करेंगे, मिक्स करेंगे, चीनी को अच्छी तरह घुलने देंगे। 1 छोटा चम्मच दूध ऐड कर लेंगे, अगर चीनी में गंदगी होगी तो वो निकल जाएगा। चीनी अच्छे से घुल चुकी है, बस 1 से 1.5 मिनट लो फ्लेम पे और पका लेंगे चाशनी को। चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है, उतार के एक साइड में रख लेंगे। एक बार आटे को अच्छी तरह नीट कर लेंगे, लोइया कट कर लेंगे, जैसे हम पूरी के लिए छोटे छोटे पोर्शन कट करते हैं ना वैसे ही। आटे का एक पोर्शन ले लिया है, ऐसे गोल गोल करके चिकना पेड़ा बना लेंगे, चकले के ऊपर रखेंगे, पूरी की तरह बेल लेंगे। पूरी हमें बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला, ठीक ठीक होना चाहिए। पूरी मैंने बेल के तैयार कर लिया है। तैयार किया हुआ मावा से छोटा सा पोर्शन लेंगे, हाथ से इसे बाइंड करेंगे, कोशिश करेंगे इसको स्क्वायर बनाने की। पूरी के बीच में रखेंगे। बाउल में थोड़ा सा पानी ले लिया है, पूरी के किनारों में ऐसे लगा लेंगे। पूरी को ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे अच्छे से चिपकाएंगे। यहाँ से प्रेस करते हुए अच्छे से चिपकाएंगे ताकि फ्राई करते टाइम हमारी लौंग लतिका खुले नहीं। इसको ऐसे पलट लेंगे और ये जो पूरी का एक्स्ट्रा भाग दिख रहा है फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करके एक लौंग ले लिया है, ऐसे लौंग लगा देंगे। बस ऐसे ही सारे लौंग लतिका तैयार कर लेंगे। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाही रखेंगे, कढ़ाही को गरम होने देंगे। कढ़ाही गरम हो चुका है, ऑयल डाल लेंगे। ऑयल को हमें मीडियम गरम करना है। ऑयल हमारा मीडियम गरम हो चुका है, गैस का फ्लेम मीडियम पे कर लेंगे। तैयार किया हुआ लौंग लतिका लेंगे, एक एक करके ऑयल में डालेंगे। एक बार में जितना आसानी से फ्राई हो पाएगा उतना ही डालेंगे। एक बार में मैंने सारे ही डाल लिए हैं, सारे आ गए हैं। एक साइड से फ्राई होने देंगे, फिर एक एक करके पलटेंगे। एक बार ऐसे कढ़ाई को गोल गोल घुमा देंगे ताकि सारे लौंग लतिका इक्वल डिप हो जाए ऑयल में। एक साइड से हल्का हल्का फ्राई होने लग गया है, एक एक करके पलट लेंगे बिल्कुल आराम से। थोड़ी थोड़ी देर पे उलट पलट करते हुए चारों तरफ से अच्छा सा ब्राउन कलर आने तक लौंग लतिका को फ्राई कर लेंगे। सारे लौंग लतिका चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, ऑयल से बाहर निकाल लेंगे।
चाशनी ले लिया है। एक एक करके चाशनी में सारे लौंग लतिका को रखेंगे। थोड़ा सा जगह बना बना कर एडजस्ट कर लेंगे। एक चम्मच ले लिया है, चाशनी को ऐसे चम्मच से लौंग लतिका के ऊपर डालेंगे ताकि सारे लौंग लतिका पे चाशनी अच्छे से कोट हो जाए। चाशनी में हमें लौंग लतिका को बहुत ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है, 1.5 से 2 मिनट रखेंगे। यहाँ पे मैंने एक छन्नी ले लिया है, एक एक करके लौंग लतिका को छन्नी में रख लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा चाशनी होगा वो निकल जाएगा। थोड़ी देर लौंग लतिका को ऐसे ही छन्नी में रखेंगे। हमारी लौंग लतिका बिल्कुल रेडी है। मैंने थोड़ा सा पिस्ता लिया है, गार्निशिंग कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी और खस्ता बना है। आप भी इस तरीके से एक बार किसी भी फेस्टिवल पे लौंग लतिका ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।